अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में दोस्तों 82 में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक कहां तक गिर सकता है, क्या हो सकता है, इसको आगे हम बारीकी से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो अभी के चैनल मनी मेकर को, कि वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ और जहां एग्रेसिव टारगेट दिया जाता है तो आप तुरंत उस वीडियो को देख पाओ। तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी है इंडिया का। ये पहले आपको समझना चाहिए कि सेल जो है इंडिया का लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है कि यह सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में आता है। तो ये आपका सबसे बड़ी बात है कि जितने भी स्टील है, जितने भी ओर्स है, लोकेटेड प्रिंसिपली ईस्टर्न सेंट्रल रीजन्स ऑफ इंडिया, तो स्टील के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी आपका कंपोनेंट है, सब कुछ ये प्लांट 3 स्पेशल स्टील प्लांट है। तो एक ईस्टर्न में है, एक सेंट्रल में है और एक सिचुएटेड क्लोज डोमेस्टिक सोर्स रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, डोमेस्टिक सोर्स में सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करता है। लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी देखा जाए तो हाई एंड लो देख सकते हो, 112 का 52 एक हाई है और 63 में 52 एक लो है। तो स्टॉक में तेज़ी आएगा कि नहीं, ये हम चार्ट में बता के देखेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद बताएंगे। और अभी क्या सही टाइम रहेगा कि नहीं बाई करना, ये भी हम बताएंगे। तो बुक वैल्यू देख सकते हो 131 है और बुक वैल्यू से बहुत नीचे ये स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 82 × 164 होता है, तो बुक वैल्यू के आधे के प्राइस में अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखा जाए तो अच्छा खासा है, 23.8, रिटर्न ऑन इक्विटी 25.2 और डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है 10.6 का। सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक में देख रहे हो अच्छा खासा एक चार्ट बना हुआ है और यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है आपको, बहुत ही तेज़ी के साथ ये बाउंस देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शेयर का आप अच्छा खासा एक बाउंस देखने को मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, क्योंकि आपको जब भी ये चार्ट में देखो, जब जब ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड आया है तब तब 50 डेज के नीचे आया है, तब तब एक बहुत ज़्यादा आपका ब्रेकआउट के साथ आगे तेज़ी करने को मिला है। तो अभी 200 डेज EMA के ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 200 डेज DMA के ऊपर अभी जाने के बाद और ज़्यादा तेज़ी बनेगा। अभी देख लेते हैं RSI और MFI लेवल भी देखेंगे। अभी स्टॉक का देख लेते हैं कि क्या गुड्स है, 0.63 times बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, गुड डिविडेंड प्रोवाइड करता है 10.6 का। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है 47.7% लास्ट 5 ईयर में और मेंटेनिंग है हेल्दी डिविडेंड पे आउट 19.1%। अभी देख सकते हो कि इम्प्रूव किया है 37.4 to 16.8 days का। और कॉन्क्लूसन में देखा जाए तो आपका लियाबिलिटीज थोड़ा कम है, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो ये थोड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है कंपनी के लिए। और डिक्रीज किया है होल्डिंग प्रमोटर 10% के आसपास लास्ट 3 ईयर्स में, ये और उसको कुछ पब्लिक ने उठाया, कुछ FIA ने उठाया, वो प्रमोटर होल्डिंग में जाके हम देखेंगे। बाकी इसका पीयर कंपनी जिंदल स्टील है, टाटा स्टील है, सेल और जिंदल स्टेन है, जिंदल शो है। क्वार्टर रिजल्ट देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ देखना चाहिए, मेन चीज़ होता है बैलेंस शीट का सेल्स ग्रोथ देखना। जैसे दिसंबर क्वार्टर में देखो आप अच्छा खासा सेल्स हुआ है, लेकिन आपका सितंबर क्वार्टर से 1,100 करोड़ के ऊपर आपका सेल्स कम हुआ है। मतलब सितंबर क्वार्टर से अगर दिसंबर क्वार्टर का कंपेयर करेंगे तो 1,200 करोड़ आपका करोड़ का सेल्स ग्रोथ कम हुआ है। उस हिसाब से एक्सपेंस भी कम हुआ है, पिछले क्वार्टर में 25,500 एक्सपेंस हुआ था, अभी 22,000 आपका एक्सपेंस हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो अच्छा खासा हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस हिसाब से अच्छा खासा हुआ है क्योंकि एक्सपेंस कम हो गया था दिसंबर क्वार्टर में, और 2,000 करोड़ के आसपास पूरा एकदम 2,080 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है इसलिए दिसंबर क्वार्टर में। अदर इनकम में देखा जाए तो 509 करोड़ हुआ है। इंटरेस्ट देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में 506 करोड़ पे किया था, अभी 640 करोड़, मतलब इंटरेस्ट दिसंबर क्वार्टर में ज़्यादा पे किया गया है। तो इसी वजह से आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी बढ़ोतरी हुआ है।
और टैक्स 25% देने के बाद नेट प्रॉफिट बढ़ा है। पॉजिटिव कैसे हुआ नेट प्रॉफिट, ये हम बताएंगे, क्योंकि आपको देखो आपका प्रॉफिट हुआ है 2,080 करोड़ के आसपास, उसमें डेप्रिसिएशन हुआ है सब कुछ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 726 करोड़ का, उसमें 25%। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यही आपको नेट प्रॉफिट में आपका कन्वर्ट होने में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट कर दिया, क्योंकि एक्सपेंस कम होने के वजह से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। एक्सपेंस आपका कितना था, 22,964 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में, ये रहा सेकंड पोजीशन में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है 2,079 करोड़। तो ये जो 2,079 करोड़ ये जो बढ़ा, कैसे बढ़ा, सेल्स एक्सपेंस कम हुआ, एक्सपेंस पिछले सारे क्वार्टर से कम हो गया इस क्वार्टर में, और सेल्स ग्रोथ के हिसाब से, तो इसी हिसाब से नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 542 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, उसी हिसाब से जितने भी EPS था सबसे ज़्यादा EPS दिसंबर क्वार्टर में हुआ 1.31 का। तो इसीलिए स्टॉक जब नीचे आया है, क्योंकि निफ्टी नीचे आया तो स्टॉक भी नीचे आया है, उस हिसाब से स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा बुल रन दिखाने वाला है। तो करंट मार्केट प्राइस में बाइंग का सलाह रहेगा, स्टॉक कभी भी रिवर्स गियर पकड़ सकता है और एक अच्छा खासा बाउंस लगा के एक तेज़ी, एक अच्छा टारगेट 100 रुपये के आसपास जा सकता है। आपको बाई करके होल्ड करना पड़ेगा, जैसे कि देख सकते हो आप सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 5 ईयर में 19%, 3 ईयर्स में 16%, और 3 ईयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 68% का है। उसी हिसाब से स्टॉक प्राइस का CAGR जो है 3 ईयर्स में 56% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 5 ईयर्स में 10% का है, 3 ईयर्स में 14% का है। तो बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है, स्टॉक प्राइस CAGR भी 56% का है। बैलेंस शीट में देखा जाए तो बोरोइंग देखो, बोरोइंग बढ़ा है सेप्टेम्बर क्वार्टर में, बोरोइंग बढ़ गया, बोरोइंग थोड़ा बढ़ गया है, और इसी के वजह से आपका टोटल लियाबिलिटीज़ जो है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन फिक्स्ड एसेट का भी ठीक ठाक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ, तो बोरोइंग ज़्यादा हुआ तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हुआ, यही है दोस्तों। बोरोइंग बढ़ा है, बाकी कंपनी का कोई भी खराबी नहीं है, कैश फ्लो बिजनेस है, और सबसे बड़ी बात है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, 65% प्रोमोटर होल्डिंग है। FII अपना होल्डिंग बढ़ाया है सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में, सितंबर में 4.31 था, अभी 4.34% हो गया, और गवर्नमेंट का होल्डिंग कम हुआ है, और पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा बहुत कम हो गया, क्योंकि DII जो है और FII बहुत भर भर के माल उठा रहा है, और DII में देख सकते हो कि कौन कौन है, LIC है, फिर ICICI, SBI, फिर निप्पॉन, ये सारे हैं, ICICI का नहीं है, बाकी रिलायंस कैपिटल है, SBI है, SBI इक्विटी है, और निप्पॉन ट्रस्टेड कंपनी है, सारे म्यूचुअल फंड में होल्डिंग किया हुआ, तो ये सब देख सकते हो आप। बाकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, अंडर रेडर में भी रहने के लिए बोला जा रहा है टेक्निकली, तो यहाँ से पहला टारगेट रहेगा 90 का, दूसरा टारगेट रहेगा 95 का, और ये आपका अप्रैल से लेके मई लास्ट तक आपको ये टारगेट अचीव हो जाएगा, अच्छा खासा 100 रुपये के आसपास टारगेट जा सकता है मई लास्ट तक। 26% अभी भी 52 वीक हाई से नीचे है, अंडर वैल्यू में मिल रहा है 26% ये स्टॉक, और अच्छा खासा अभी 94.29 का एक एवरेज टारगेट निकल के आ रहा है, तो मेरा भी 94 का ही टारगेट रहेगा दोस्तों, जो 14% के आसपास है, और ये आपको मई लास्ट तक टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक अभी यहाँ से रिवर्स किया कभी भी पकड़ सकता है, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट अच्छा हुआ है, सेल्स ग्रोथ अच्छा हुआ है, और नेट प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है, तो स्टॉक में कोई ख़राबी नहीं है। निफ्टी के चलते स्टॉक नीचे आ रहा है, 22 एनालिसिस में से 9 एनालिसिस स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल दिया है, और यहाँ से कभी भी एक रिवर्स गियर पकड़ के ऊपर आ सकता है। RSI और MFI अगर देखा जाए तो 39.8 है RSI, MFI 50.7, मतलब बुल रन का सिग्नल दे दिया है आपका, कभी भी ये स्टॉक रिवर्स गियर और बाउंस दे सकता है, मेरा करंट मार्केट प्राइस में बाइंग का सलाह रहेगा, क्योंकि कभी भी ये स्टॉक आपका जब भी 40 के ऊपर RSI निकलेगा तो एक तेज़ी, बहुत तेज़ी देखने को मिलेगा, और काफ़ी बुल रन दिखा सकता है स्टॉक। LIC का होल्डिंग 5.8% है, बाकी आपका पता ही है गवर्नमेंट बेसिस स्टॉक है, तो मूवमेंट भी
थोड़ा सोच समझ के देता है। 65% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब प्रोमोटर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। बाकी FII और म्यूचुअल फंड दोनों का होल्डिंग देखो बढ़ा है, ठीक है दोस्तों। और बाकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपका बाई कर रहा है और बाइंग सिग्नल जनरेट करके रखा है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 95 का टारगेट निकल के आ रहा है शेर खान BOB कैपिटल मार्केट के हिसाब से। 79% बाइंग रिकमेंडेशन है, मेरा भी बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा। 95 का टारगेट मई लास्ट तक अचीव हो जाएगा। अगर वीडियो एनालिसिस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो अभी के चैनल मनी मेकर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।